Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? मैं सुलेखा अरफा, सुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है। आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ प्याज के अंदर अंडा डाल के एक तवा। बहुत ही मजेदार बनती है, इजी, झटपट। उसी समय बनाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगी। बनाकर रखिएगा मत, उसको वार कर मत रखिएगा, समय पर ही बनाकर उसे फ्राई कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये है 6 मीडियम साइज की प्याज, लंबी लंबी बारीक कटी हुई। और इसको सबसे पहले तो है ना, मैं हाथों की मदद से इस तरीके से सारी खोल लीजिए। खोलना मतलब एक दूसरे से अलग कर दीजिए, सो दैट वो ज़्यादा खुली खुली रहेगी तो बेटर रहेगी। अब इसमें डाल दीजिए 1 छोटे चाय का चम्मच या 3/4 छोटे चाय का चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे 5 मिनट के लिए साइड पर रहने दीजिए। ये 4 अंडे बॉईल करे हुए हैं, इसके ना एक अंडे के 4 पीस कीजिए, ठीक है? और जो चौथा वाला अंडा है ना, उसको आधा करने के बाद 2 ही पीस कीजिए और बाकी का आधा है ना, हम ये जो हमारा मिक्सचर है ना प्याज का, उसमें डालेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले तो मैं ये डीप पतीली के अंदर इसे ट्रांसफर कर देती हूँ, सो दैट मिक्स वगैरह करना हो तो मुझे आसानी रहे। अच्छा, यहाँ पर ये मैं ले रही हूँ भुना हुआ और दरदरा पीसा हुआ धनिया। मैं 365 डेज रखती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है भजियों में डालने के लिए। तो ये डाल दीजिए 1 या 1.25 छोटा चाय का चम्मच और 1 छोटे चाय का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर। मैं मोटी मोटी काट कर हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ 1, आप चाहें तो बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। 1 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए या फिर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, 1 छोटे चाय का चम्मच। मिक्स कर लीजिए सबसे पहले सारी चीज़ों को, उसके बाद वो जो आधा अंडा हमने साइड पर रखा है उसे ग्रेट करके कद्दूकस करके इसमें डाल दीजिए। बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया भी डाल दीजिए और आधा कप बेसन डाल दीजिए। एक्चुअली मुझे 1 कप डालना था बट मैं इतनी एक्साइटेड हो गई है, काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ तो मैंने आधा कप डाला है। तो ये मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर से आधा कप डालूंगी। और हाँ, एक और चीज़ भूल गई मैं, 1 छोटा चाय का चम्मच या आधा छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अब बाकी का जो मैं आधा भूल गई हूँ वो भी डाल रही हूँ, भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं, बेसन डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपको लगे थोड़ा हल्का पानी डालने जैसा तो डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा प्याज प्याज लग रही है, हल्का बेसन और ज़्यादा होना चाहिए, तो बेशक आप थोड़ा और डाल सकते हैं ज़्यादा, हाँ, और आप चाहें तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, मैं बिना पानी के कर रही हूँ। अब उसी समय थोड़ा सा हाथों को तेल की मदद से ग्रीस कीजिए, छोटा सा पोर्शन लीजिए प्याज का, ये जो बना के रखा है इसे इस तरीके से चपटा कीजिए। 1 अंडा रख दीजिए बीच में और इसे इस तरीके से ऊपर लेकर इसे अच्छे से बंद कर दीजिए, सील कर दीजिए ऊपर से, ये देखिए, और इसे कबाब का शेप दे दीजिए। हल्का लगे तेल का हाथ लगाने जैसा तो थोड़ा सा तेल ले लीजिए और हथेलियों पर लगा लीजिए। तो ये बन गया हमारा 1 प्याज और अंडे वाली कबाब, बढ़िया सी। ये जो कबाब का आप जो शेप दे रहे हैं ना, इसे आप बना के पहले से, जैसे आप सुबह में बना लिए और फिर शाम को फ्राई करें, ऐसा नहीं कर सकते। तो प्याज एकदम नम हो जाएगी और मज़ा नहीं आएगा, प्याज का एक टेस्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, आप इसे जैसे जैसे आप फ्राई करेंगे, जैसे 3-4 बनाएं, फ्राई करें, फिर 3-4 तब तक कबाब का शेप दें जब तक फ्राई हो रही है, फिर उन्हें फ्राई करें, तो इसी तरीके से आप फ्राइंग और वारना उसी समय करते जाएं। और एक बात शेयर करनी थी, जब आप ये प्याज का मिक्सचर लेते हो और इसे फ्लैट पोर्शन करते हो तब उसे पतला ही रखिएगा और फिर अंडा डालकर उसे बंद कीजिएगा, सील कीजिएगा। जितना पतला रखेंगे तो जल्दी आपका फ्राई हो जाएगा, अगर आप मोटा रखेंगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको ज़्यादा देर तक पतीली में उसे फ्राई करना पड़ेगा सो दैट अंदर तक फ्राई हो ना, जैसे हम भजिए को करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। जैसे भजिए को कैसे अंदर तक फ्राई करने के लिए हमें कुछ समय लगता है, ये वैसे ही तरीके से आपने इसके लिए भी अप्लाई करना है। अंदर से भी प्रॉपर पका होना चाहिए और बाहर से क्रिस्पी होना चाहिए ये। चलिए, 3-4 मैंने बना लिए हैं, तो अब तेल फास्ट आंच पर थोड़ा गर्म हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए, हल्का ही गर्म हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए। और थोड़ी देर के बाद जब आपको लगे कि एकदम प्रॉपर गर्म हो गया है तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर अपनी ये कबाब डाल दीजिए, अंडे और प्याज वाली, और इसे उलट पलट करते जाएं और बार बार उलट पलट करते हुए तकरीबन मीडियम आंच पर तब तक पकाएं जब तक बाहर से गोल्डन, लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती और अंदर से भी पक नहीं जाती, क्योंकि
जो ये आपने टेक्सचर अगर मोटा रखा है इसका, तो अंदर से भी पकनी चाहिए, जैसे हमारे प्याज के भजिए कैसे होते हैं, बस वही इसमें अप्लाई करना है आपने। जब हो जाए गोल्डन ब्राउन तो निकाल लीजिए, इसी तरीके से एक एक दो दो तीन तीन जितनी आपकी पतीली में समाए उतना डालें इसके अंदर, और मीडियम आंच पर फ्राई करें। जब तक ये फ्राई हो रहे थे मैंने दूसरे तीन चार बना लिए, और अब मैं वो वाले डाल देती हूँ। और उसी तरीके से जब वो फ्राई हो रहे होंगे, ये फ्राई हो रहे होंगे, तो बाकी के जो बचे हुए हैं वो मैं तीन चार बना लूंगी। तो इसी तरीके से बैचेस में सारे मीडियम आंच पर फ्राई कर लें, और गर्मा गर्म इन्हें या फिर आप हरी चटनी के साथ सर्व करें, या फिर टमाटर सॉस के साथ, केचप के साथ सर्व करें। हरी चटनी का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप लोगों के लिए। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? है ना मजेदार, एकदम क्विक भी है। सो खाएं, बनाएं, और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली और फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे लिंक्स। और हाँ, लाइक कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, लाइक डालें, लाइक हिट करें लाइक बटन को। और बस फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।